एआई की तेज रफ्तार तरक्की ने दुनिया को पहले ही बदलना शुरू कर दिया है और मुस्तकबल करीब में ये तब्दीलियां मजीद गहरी होंगी। अल्फागो गूगल डीप माइंड का तैयार करता एक एआई सिस्टम है जिसने दुनिया के बेहतरीन गो खिलाड़ी ली सेडुल को 2016 में शिकस्त दी। गो एक इंतहाई पेचीदा और स्ट्रेटजिक खेल है जिसमें कई सालों की मशक और हिकमत अमली की जरूरत होती है। अल्फागो की फतह ने एआई की सलाहियतों का दुनिया में लोहा मनवाया। अल्फागो की इस कामयाबी के बाद यह तसव्वुर किया जा रहा है कि एआई स्ट्रेटजिक और बोर्ड गेम्स में इंसानों की जगह ले सकते हैं। इस तरह पेशेवराना खिलाड़ियों की मांग खत्म हो सकती है। इसके अलावा ये कारोबारी या फौजी हिकमत अमलियों में अहम फैसले ले सकते हैं। 2018 में एलन मस्क के ओपन एआई बोट ने डोटा 2 नामी चैंपियनशिप में बड़े बड़े गेमर्स को शिकस्त दी। डोटा 2 एक नहायत मुश्किल मल्टीप्लेयर ऑनलाइन अरीना गेम है। एआई की इस जीत ने वीडियो गेम्स की दुनिया में हैरत अंगेज तब्दीलियां लाई। अल्गोरिथम एआई ने आर्ट के मैदान में भी कदम रखा है। 2018 में एक एआई ने एक पेंटिंग तैयार की जिसे पोर्ट्रेट ऑफ एडमोंड दी बेलामी का नाम दिया गया। ये पेंटिंग एआई नीलामी में $4,32,500 में फरोख्त हुई जो कि तवक्कात से बहुत ज्यादा थी। ये आर्ट की दुनिया में एक दिलचस्प मोड़ था। ख्याल किया जा रहा है कि इस तरह के एआई आर्ट के अलावा फोटोग्राफर और कैमरा मैन की जगह ले सकते हैं। इस तरह के एआई एनिमेशन और वीडियो गेम्स में करतारों को डिजाइन करने में भी मदद दे सकते हैं। एआई और एमएल की मदद से चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हुई है। 2017 में चीनी पुलिस ने एआई की मदद से एक मतलूब मुजरिम को 60,000 के मजमा से शनाख्त करके गिरफ्तार किया। ये एआई की काबिलियत का एक जबरदस्त मुजाहरा था। गूगल ने एक एआई प्रोजेक्ट मैग्नेट शुरू किया जो मुसीकी तख्लीक करता है। एआई से तैयार करदा मुसीकी की धुनें इंसानी कंपोजर के नाम से मिलती जुलती हैं। यूं आप म्यूजिशियन, कंपोजर, राइटर हत्ता के सिंगर की जगह भी एआई ले लेगी। हाल ही में माइकल जैक्सन और ब्रिटनी स्पीयर की आवाज में गाना रिलीज हुआ जिसमें माइकल जैक्सन के वोकल एआई ने गाए हैं। उबर ने ड्राइवर लेस कारें बनाना शुरू की हैं जिसमें एआई और एमएल की मदद से गाड़ियां खुद चल सकती हैं। 2020 में उबर की एक कार ने कामयाबी से अपनी सवारी मुकम्मल की जो कि मुस्तकबल की ट्रांसपोर्टेशन की एक झलक है। खुदकार कारों से जहां सफर की सहूलियात मिलेंगी वहीं ड्राइवर की जॉब जाती नजर आती हैं। IBM के वाटसन ने 2011 में जियोपार्टी नामी क्विज शो में हिस्सा लिया और इंसानों के खिलाफ जीत हासिल की। बाद में उसे तिब्बी शोबे में इस्तेमाल किया जाने लगा जहां उसने मरीजों की बीमारियों की तशखीस और इलाज की सिफारिशात में डॉक्टरों की मदद की। वाटसन की यह सलाहियत मरीजों की जिंदगी बचाने में भी मददगार साबित हुई। डीप फेक टेक्नोलॉजी ने वीडियोस और तस्वीर में हैरत अंगेज तरमीमात मुमकिन बना दी हैं। ये टेक्नोलॉजी मस्नूई ज़हानत की मदद से किसी भी फर्द की शक्ल और सूरत को दूसरी वीडियो में नकल कर सकती हैं, जिससे न सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि सिक्योरिटी खदशात भी पैदा हुए हैं।